नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो इस समय के दोस्तों जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूपी टेट रिजल्ट को लेकर, वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या आज आएगा यूपी टेट का रिजल्ट, ठीक है। और इन स्टेप से दोस्तों आप कर सकेंगे अपना रिजल्ट डाउनलोड। तो रिजल्ट आपको अपना यूपी टेट का कैसे डाउनलोड करना, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में समझा देंगे। और आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त जारी हो सकता है रिजल्ट। और उसके बाद देख सकते हैं अगली अपडेट कब आएगा यूपी टेट का रिजल्ट 2022। 27 जनवरी को जारी हुई थी आंसर की। 21 लाख अभ्यर्थी को है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने रिजल्ट या पेपर नहीं दिया उन बच्चों को भी रिजल्ट का इंतजार है, इसलिए कि भैया उसके बाद यूपी टेट 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ठीक है। जिन बच्चों के इस बार यूपी टेट क्लियर हो जाएगा उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनका तो भैया फ्री हो गया मामला। ये बात समझ लीजिए, जो बच्चे एक बार टेट क्लियर कर लेंगे, अब जिसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी दोस्तों हमारी लाइफ टाइम, ठीक है। अब दोस्तों दोबारा आपको जीवन में यूपी टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार पास कर लिए। फिलहाल यूपी टेट का नंबर सुपर टेट में अभी दोस्तों मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। तो अगर आप दोस्तों सिर्फ 90 नंबर लाकर भी जनरल कैटेगरी से पास हो जाते हैं, तब भी दोस्तों ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी। और यूपी टेट का दोस्तों हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा ही प्यारा सा शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता देते कि आपको अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। बाकी कोरोना के मामले दोस्तों पहले से काफी कम है, तो फिलहाल लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारा जो सीटेट जुलाई का पेपर है वो समय से हो पाएगा, ठीक है। अगर आप सीटेट जुलाई का इंतजार कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए राहत भरी खबर है। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा तरीका देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में देखिए गूगल ओपन कर लेना है और सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com, DELEDRESULT.com। जैसे ही दोस्तों आप DELEDRESULT.com सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखेगी DELEDRESULT 2022। आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको यूपी टेट रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। और देखिए डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट का लिंक है और सीटेट रिजल्ट का भी लिंक दिया गया है। फिलहाल हमें दोस्तों यूपी टेट रिजल्ट डाउनलोड करना, तो सिंपल सा क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यूपी टेट से संबंधित सारे रिजल्ट के लिंक मिल जाएंगे। यूपी टेट रिजल्ट हो गया, नए शिक्षक भर्ती विज्ञापन, ऑफिशियल आंसर की एडमिट कार्ड और बाकी ढेर सारी अपडेट। फिलहाल हमें रिजल्ट देखना था, तो देखिए हम आपको तरीका समझा दे रहे हैं जहां से आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नई भर्ती का विज्ञापन आया था बिहार से, वो विज्ञापन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ढेर सारी खबर पा जाते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सरकार गठन, अब यूपी टेट परिणाम पर निगाह है। तो रिजल्ट का दोस्तों लिंक दिया गया जो अब किसी भी समय, जी हाँ दोस्तों अब भैया हमारा मार्च भी बीत गया, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, तो अब हमारा रिजल्ट किसी भी सेकेंड किसी भी पल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जो यहाँ पर आप लिंक एक्टिवेट सून देख रहे हैं, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक भैया यहाँ पर क्लिक किया ऐसा प्यारा सा लिखा होगा जैसे नीचे है। जैसे यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे यूपी टेट के, ठीक है। तो माननीय राज्यपाल जी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए दोस्त यहाँ पर रिजल्ट का लिंक दिया गया जहां से आप लोग बेहद आसान तरीके से रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी हमारे शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह लोधी जी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। बाकी देख सकते हैं 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार। मतलब ढेर सारी अपडेट आपको DELEDRESULT.com वेबसाइट पर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं।